नमस्कार, डी मीडियामध्ये मी अक्षता नाईक आपल्या सर्वांचे स्वागत करते. आज आम्ही एका अशा व्यक्तीची मुलाखत घेण्याकरिता आलेलो आहोत ज्यांनी बेळगावचे प्रतिनिधित्व केलेले आहे. अंतर दिल्ली येथे नुकत्याच पार पडलेल्या मिसेस इंडिया डायडेन लेक्सी या स्पर्धेमध्ये रॅम्पवॉक करत प्रथम विजेतेपद पटकावलेले एनिट जॉन या आमच्यासोबत आहेत. आम्ही त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत आणि त्यांचा हा प्रवास नेमका कसा झाला याची माहिती घेणार आहोत. नमस्कार मॅडम, डी मीडियामध्ये आपका स्वागत आहे. नमस्ते. आप को ट्रॉफी हासिल करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और वो भी बेलगाम को रिप्रेजेंट किया, तो उससे भी बहुत खुश हूँ मैं. वेरी वेरी हैप्पी. आपको इस कंपटीशन में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये बताना चाहूँगी स्पेशली लेडीज ऑफ बेलगाम को कि मैं एक 21 ईयर ओल्ड की बच्ची की माँ हूँ. एंड लोगों ने सोचा कि शायद लोगों ने ये सोचा कि अब क्यों. ये ख्वाहिश थी, बचपन का ख्वाहिश जो मैं पूरा करना चाहती थी, और ये मौका मेरे सामने आया तो मैंने अपने आप को चैलेंज किया और मैंने बोला नहीं, ये कर सकती हूँ या नहीं. मुझे बहुत सपोर्ट मिला मेरे फैमिली से, स्पेशली हस्बैंड और बच्चों से, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. और मैंने डिसाइड किया अगर करना है तो पूरा दिल लगा के, जान लगा के, मेहनत लगा के मैंने हर दिन, ऑलमोस्ट इट्स अ स्पैन ऑफ 6 months ऑफ प्रिपरेशन जो मैंने किया. एंड इट फील्स रियली ग्रेट टू कम टू दैट पॉइंट वेयर यू विन the first runners up for in of india especially for belgaum. agar aur mahilaye is kshetra mein aana chahti to unko aap kya bolo? agar aap chahte ho ki aap ye field mein aaye aur aapke andar wo hunar hai ki aap you know beauty glamour world mein aaye, to aapko pehli cheez main ye batana chahungi ki chahat jo hai wo honi chahiye dil se, और आपका सपोर्ट सिस्टम घर पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जो मेरे थे, इसलिए मैं ये मुकाम पे पहुंच सकती थी. तो लेडीज़, अगर आप लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे भी करनी है, या बचपन से ख्वाहिश थी, जैसे मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि ये फील्ड में आना है और ट्राई करनी है, और ये मैं आई एम 42 ईयर्स ओल्ड टुडे एंड आई सेड नो आई नीड टू डू इट. सो इफ यू फील दैट अगर मैं करना चाहती हूँ तो गो फॉर इट, एज लॉन्ग एज यू हैव द सपोर्ट सिस्टम एंड द यू नो विल टू गो अहेड. आपने बहुत सारी खासियत है. आप एक अच्छी बेकर हो, ब्यूटी एक्सपर्ट हो, और अभी मॉडल, उसके साथ भी आप एक फौजी पत्नी हो, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? एक मैं हमेशा बताती हूँ कि एक फौजी बीवी बनना भी एक अलग चीज़ है, एक बहुत डिफरेंट चीज़. यू हैव टू रियली बी स्ट्रांग, दिल से, दिमाग से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. इसलिए हम थोड़ा सा अलग होते हैं क्योंकि वी आर डिफरेंट बिकॉज हम लोग बहुत जगह घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्लस उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बिल्कुल अलग होती है, जो हम निभाते हैं बहुत अच्छी तरह से, और मैंने वो किया है. और हम बिजी हो या दूसरे प्रोफेशन में हो, ये मतलब नहीं कि हम फौजी बीबी होने का जो ड्यूटीज है हम साइड में रखते हैं, नहीं. और मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि फौजी बीबी हूँ मैं 23 ईयर्स से. अभी हमें मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 23, अभी 24 होने वाले हैं. ये जो विल पावर है और डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन, जो सबसे बड़ी बात है, जो डिसिप्लिन है, मैंने फौजी बीबी हूँ इसलिए मैंने ये बहुत दिल दिमाग लगा के मैंने किया है. एंड अदर ड्यूटीज, जो एक माँ की ड्यूटी है, जो एक बहू की ड्यूटी है, एक ननन की ड्यूटी है, एक यू नो सारे जो ड्यूटीज है, एक चीज होती है जो टाइम मैनेजमेंट, वो करना बहुत जरूरी है. बिकॉज एंड डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन लाइफ जीना बहुत जरूरी है, तब आप ये सारे जो चीजें हैं, बीबी बनना,
माँ बनना, फिर अपना ख्वाहिश भी पूरा करना कर सकते हैं। अपने परिवार को संभालते हुए 4000 जो फौजी पत्नी है उनको केक बनाने का जो ये किया है, प्रशिक्षण दिया है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैंने एक मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे माऊ में, इट इज द मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर इन माऊ, एंड वहाँ पे सुग्रैनी का एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन है जो मैंने लेडीज को सिखाया 4 साल से। 4 साल मैंने उनको सिखाया और हर 3 महीने में नए लेडीज आती है उसमें। सो करते करते काफ़ी लोगों को सिखाया मैंने, ऑलमोस्ट 3000-4000 लेडीज, नॉट ओनली देन अदरवाइज। और वो जो लेडीज मैंने स्टूडेंट्स है आज एंटरप्रेनर्स भी है, और बहुत गर्व के साथ मैं बता सकती हूँ कि मुझे उनको देख के कभी कभी शायद मैं भी नहीं बना सकती हूँ हर दिन जैसे वो बनाते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट जब मैं मेरी स्टूडेंट्स को पूछे हुए, मतलब आई सी देम रीच द स्काइज, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये जो लेडीज है हर जब भी कुछ प्रॉब्लम है या कहीं अटक जाते हैं, मुझे रात वो कॉल करती है, मैम ये हो गया प्रॉब्लम, करना क्या है। जब आप एक टीचर को या मैं बताऊंगी इंस्ट्रक्टर को कॉल्स आती है 2-3 बजे रात को, मतलब मैंने हासिल किया कि जो एक स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप को हासिल किया मैंने कि वो कभी भी कॉल करे, वो कॉल कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कॉल उठाऊंगी और सलाह भी दूंगी। तो दिस आई थिंक आई हैव बीन एबल टू अचीव एंड आई कंटिन्यू टू मेक न्यू बेकर्स इन द आर्मी। आज मैं वही बात कर रही थी कि एक आर्मी वाइफ बेकर होना और एक नॉर्मल बेकर होने में क्या डिफरेंस है, मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि इट इज पहले आप केक बनाते हैं 6 महीने तक, आप अपना क्लाइंट्स ढूंढते हैं, क्लाइंट्स बनते हैं, और 1 साल के लिए आप लगातार उनको केक बना बना के अपने क्लाइंट्स को देते हैं, फिर वक्त आती है निकलने का। सो जैसे 2 साल में पोस्टिंग होती है तो इमीडिएटली 1 साल के बाद पोस्टिंग आ जाती है, आपको पूरा बंद करके जब आप नए स्टेशन में चले जाते हैं तो अपना पुराना स्टेशन से कॉल आता है कि मुझे केक चाहिए, तो उनको बताना पड़ता है सॉरी मैं वहां से निकल गई, अभी नया स्टेशन में आ गई। तो ये करते करते देन यू हैव टू अगेन स्टार्ट। तो ये एक अलग चीज है जो नॉर्मल बेकर और आर्मी वाइफ बेकिंग, और जैसे होम बेकर हु इज एन आर्मी वाइफ, इसका डिफरेंस ये है। आपका जो बालपन है वो बेलगाम में गया है, खास करके शिवाजी नगर में, और स्कूल भी सेंट जेवियर्स में हुआ है, तो बेलगाम के बारे में आपका कुछ थोड़ा बोलिए। अच्छा वेल पहले तो मैं एक छोटी सी बच्ची थी बेलगाम में, जो बहुत ड्रीम्स एस्पिरेशंस लेके मैं यू नो सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में पढ़ी एंड लिंगराज कॉलेज लेटर ऑन। बट वो छोटी सी लड़की जो थी बेलगाम में बहुत सारे सपने देखे, बहुत सारे सपने, और सारे सपने देखते हैं बट उसको हासिल करना सिर्फ हमारे हाथ के अंदर है। तो आई वुड टेल ऑल द बेलगाम चिल्ड्रन, ऑल द बेलगाम लेडीज, ऑल द बेलगाम पीपल कि आप अगर करना चाहते हो कुछ भी तो सिर्फ आपके हाथ में है, और किसी के हाथ में मत दो वो चीज कि अच्छा आप करके मुझे दे देना फिर हम नहीं। इट इज ओनली लेफ्ट यू कि अगर आप हासिल करना चाहते हो तो गो फॉर इट। आपके पति जो है ब्रिगेडियर नील जॉन, ये भी बेलगाम की है, खास करके गणेशपुर, तो आपका पूरा बेलगाम में ही है, और जब पोस्टिंग इंडिया में या हर तरफ होता है तो वहाँ का कल्चर और बेलगाम का कल्चर आपको, आपने कैसे मैनेज किया? जैसे मैं शादी किया मैंने बेलगाम में ही, और मेरा हस्बैंड भी बेलगाम के ही है, उसका छोटा बेटा मेरा क्लासमेट थे तो हम ऐसे मिले एंड देन वी गॉट मैरिड एंड देन वी गॉट पोस्टेड टू हिसार। हिसार इज इन हरियाणा, तो एक छोट बेलगाम की लड़की इतना दूर जाके हरियाणा में रह के, वहाँ पे ना अच्छे दुकान थे ना कुछ, छोटी सी विलेज में थे, एंड आई मुझे इतना ऐसा लगा कि ओ माय गॉड मैं कैसे रहूँगी यहाँ पे, यू नो। बट जो एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं, जो आर्मी यूनिट होती है, जो लेडीज होती है, उन्होंने इतना प्यार दिया, मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं घर के बाहर गई हूँ। उन्होंने बहुत संभाला मुझे, सिखाया मुझे, क्योंकि एक आर्मी जिंदगी बहुत अलग होती है एक नॉर्मल जिंदगी से। तो जैसे हस्बैंड चले जाते हैं तो अपने आप को कैसे रहना है,
कैसे मैनेज करना है घर पे, बच्चे हुए तब भी, मतलब उसके बाद हर दो साल में शिफ्ट करना है, पैकिंग कैसे करनी है, एक छोटी सी चीज है कि पैकिंग कैसे करनी है वो, उससे लेके कि कैसे खाना बनाना है, कैसे परोसना है, कैसे तैयार होना है, सब चीज उन्होंने सिखाया। तो ऐसे लगा ही नहीं कि मैं परिवार छोड़ के, एक ऐसे लग रहा था कि दूसरे एक परिवार छोड़ के दूसरे बहुत प्यारे वाले परिवार में चली गई। बेलगाम की लड़कियों को और खास करके महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वेल, जैसे मैंने पहले बताया कि बेलगाम की लड़कियां और बेलगाम की महिलाएं, आप दिल जान लगा के जो भी करना चाहते हो आप करो, अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ। सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है क्योंकि बट अपने डिटर्मिनेशन और आपके जो परसिवियरेंस है कि नहीं अगर मैंने ये सोच लिया तो यस, बट ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट, कि ऐसा ना हो कि आप एक चीज के पीछे पड़ो तो दूसरा चीज रह जाए पीछे। दोनों चीज हर तरह से मैनेज करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक औरत, ये भगवान ने एक औरत को ये ताकत तो दिया है कि 10 हाथ है हमारे पास, तो ये मान के चलो कि हाँ अपनी ख्वाहिश भी पूरी करनी है और घर को भी संभालना है। थैंक यू मैडम। या ठिकाणी एनी जॉन मैडम यांनी आपला अनुभव शेअर केलेला आहे। त्या एक उत्तम बेकर आहेत, ब्युटिशियन आहेत, मॉडेल आहेत, त्याशिवाय त्यांनी आता दिल्लीमध्ये झालेल्या मिसेस इंडिया डायडेम लेक्सी या स्पर्धेमध्ये रॅम्पो करम प्रथम विजेतेपद पटकावलेले आहे आणि त्यांनी बेळगावचे प्रतिनिधित्व केलेले आहे। त्यांना त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा। दीपक सुतारसह अक्षता नाईक, डी मीडिया, बेळगाव।